वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम 2018 की एक हॉरर ड्रामा की बात करेंगे जिसका नाम है द बैड सीड, जो इसी नाम की नेशनल अवार्ड विनिंग बुक से इंस्पायर्ड है, जिसमें एक लिटिल साइकोपैथ गर्ल की कहानी दिखाई गई है जो बड़ों से ज्यादा स्मार्ट है और जो उसे पसंद नहीं आता उसे वो अपने रास्ते से हटा देती है और किसी को पता भी नहीं चलता। ये फिल्म एक काफी हॉरिफाइड, मिस्टीरियस और ड्रामेटिक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फिल्म की शुरुआत में हम एमा ग्रोसमैन नाम की एक 9 साल की लड़की को देखते हैं, जो एक बिल्ली को अपने कमरे की खिड़की से एक फाउंटेन में डूबते हुए देखती है। वो पर्दे बंद कर देती है और अपना मॉर्निंग रूटीन शुरू करती है और उसे बिल्ली के डूब जाने से न तो कोई फर्क पड़ता है न ही उसके लिए कोई पछतावा। एमर अपने विडोर पिता डेविड ग्रोसमैन के साथ रहती है। वो एक एक्सेलेंट स्टूडेंट है और एक वेल मैनर्ड किड भी है। हालांकि उसे देखकर ऐसा लगता है कि उसमें कोई ह्यूमन इमोशंस नहीं है। उस दिन नाश्ता करते वक्त एमा स्कूल में सिटीजनशिप अवार्ड जीतने की अपनी एम्बिशंस के बारे अपने पिता को बताती है। जैसे ही वो दोनों बातें करते हैं एमा की आंट एंजेला आती हैं। वो डेविड को एक नई बेबी सिटर के बारे में बताती है जिसे उसने एमा के लिए ढूंढा है, और तब यह पता चला है कि एमा की पिछली बेबी सिटर को किसी अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट का सामना करना पड़ा था। जब वे बात करते हैं एमा फाउंटेन में मरी हुई बिल्ली की ओर इशारा करती है। डेविड बिल्ली को बाहर निकालता है लेकिन एमा उसकी मौत के बारे में इमोशनलेस लगती है। उस दिन स्कूल में एक वॉस्प बच्चों को पढ़ाई के दौरान डराती है। जैसे ही स्टूडेंट्स डर के मारे पीछे हटते हैं एमा बहादुरी से एक ग्लास लेती है और वॉस्प को खिड़की से बाहर उड़ाने के लिए उसे पकड़ लेती है। इस बीच डेविड क्लोई नाम की एक बेबी सिटर का इंटरव्यू लेता है। उसे उसके काम का पोर्टफोलियो पसंद है इसलिए वो उसे काम पर रखता है। ऐसा लगता है कि क्लोई डेविड में इंटरेस्टेड है। स्कूल में वापस एमा की क्लासमेट केटी खेल रही होती है। जब वो एमा से टकराती है तब वो उसे उठाने में मदद करती है। उनकी टीचर सभी इवेंट्स को देखती हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि एमा सिटीजनशिप अवार्ड जीतने के लिए कंपैशनेट होने की कोशिश कर रही है। उस रात एमा मिरर के सामने मुस्कुराने की प्रैक्टिस करती है। अगले दिन अवार्ड डे है। डेविड एमा को तैयार करता है और उसे स्कूल ले जाता है। सभी माता पिता और स्टूडेंट्स ऑडियंस में बैठे हैं। जब टीचर अनाउंस करते हैं कि माइलो ने सिटीजनशिप अवार्ड जीता है तो ये सुनकर एमा काफी डिसअपॉइंट हो जाती है। जब डेविड एमा से माइलो की जीत के बारे में बात करता है तो वो कहती है कि वो इस अवार्ड को डिजर्व करती थी और माइलो की इंसल्ट करना शुरू कर देती है। जब डेविड उसे डिसअप्रूविंगली देखता है तो वो उससे माफी मांगती है। कुछ समय बाद जब कोई नहीं देख रहा होता है एमा माइलो को पास में एक क्लिफ दिखाने के लिए ले जाती है। जब माइलो लौटने के लिए कहता है एमा उसकी ओर आगे बढ़ती है और स्क्रीन कट जाती है। बाद में जब माइलो के पेरेंट्स उससे पूछते हैं कि क्या उसने उसे देखा है तो वो झूठ बोलती है और कहती है कि उसने बोनफायर के बाद से उसे नहीं देखा है। अचानक दो लड़कियां कहीं से दौड़ती हुई आती हैं और मदद के लिए चिल्लाती हैं। सभी पेरेंट्स उस ओर दौड़ते हैं और देखते हैं कि माइलो क्लिफ से गिर गया है और ओशन में डूब गया है। उसके पिता उसकी बॉडी को ले बाहर ले आते हैं और उसे CPR देने की कोशिश करते हैं लेकिन माइलो मर चुका है। अगली सुबह नाश्ते के समय डेविड एमा से पूछता है कि उसे कैसा फील हो रहा है, लेकिन वो इस फैक्ट को पूरी तरह से अनदेखा कर देती है कि उसके दोस्त की एक दिन पहले ही मौत हो गई थी। बाद में नई बेबी सिटर क्लोई घर पर आती है। उस रात डेविड घर पर नहीं है। एमा ने क्लोई को डेविड के कमरे में डेविड की कुछ मेडिसिन चुराते हुए देखा। बाद में जब वे फिल्म देखते हैं एमा उसे ड्रग्स के बारे में बताती है। वो डेविड को ये नहीं बताने का वादा करती है। अगर क्लोई जो वो चाहती है वो करे। एमा फिर उसे एक आइसक्रीम लाने का ऑर्डर देती है। क्लोई छोटी लड़की को बिच कहती है लेकिन फिर भी जो वो कहती है वही करती है। अगले दिन माइलो का मेमोरियल है। सेरेमनी के बाद एमा को छोड़कर सभी रो रहे हैं। डेविड माइलो के पेरेंट्स से बात करता है और उसे पता चलता है कि उसका मेडल गायब है और वे मानते हैं कि मेडल समुद्र में डूब गया होगा। तभी एमा भी रोने लगती है, मानो वो माइलो के पेरेंट्स के सामने दुखी होने का नाटक कर रही हो। जब वे घर वापस आते हैं तो डेविड एमा के बिहेवियर को लेकर काफी टेंशन में होता है। जब वो उस दिन एमा के कपड़ों को फोल्ड कर रहा होता है तो हम देखते हैं कि माइलो का मेडल एमा के मैट्रेस के नीचे छिपा हुआ है। डेविड अवार्ड डे की पिक्चर्स को देखता है और एमा की कई ऐसी पिक्चर्स है जिसमें वो माइलो को घूर रही होती है। तब उसे शक होता है कि माइलो की मौत का एमा के साथ कोई कनेक्शन है। उस दिन बाद में एमा की टीचर मिसेज एलिस और एक पुलिस अधिकारी डेविड से माइलो की मौत के बारे में बात करने के लिए जाते हैं। मिसेज एलिस का कहना है कि माइलो की मौत से पहले किसी ने एमा को माइलो के साथ क्लिफ के पास देखा था। एमा दरवाजे से उनकी बातचीत सुनती है और तब वो एक वास को खुद पर गिराने का नाटक करती है और एडल्ट्स की बातचीत रोकने के लिए खुद को चोट पहुंचाती है।
यह देखकर कि एमा को चोट लगी है, मिसेज एलिस और अधिकारी चले जाते हैं। एमा के घाव पर पट्टी लगाते हुए डेविड उससे पूछता है कि क्या वो क्लिफ पर माइलो के साथ थी, लेकिन एमा मना करती है। जब वो बताता है कि मिसेज एलिस ने कहा कि वो थी, तब एमा गुस्सा हो जाती है और चिल्लाती है कि मिसेज एलिस उससे नफरत करती है। अगले दिन क्लोई उनके साइड हाउस जाती है जहां डेविड काम करता है। वो उससे पूछती है कि क्या वो वहां स्मोक कर सकती है, लेकिन डेविड ने यह कहते हुए उसे मना कर दिया कि उस जगह में बहुत इनफ्लेमेबल लिक्विड्स हैं। इसके ठीक बाद क्लोई एमा को स्कूटर से खेलने के लिए रोड पर ले जाती है। जब वे जाते हैं तो दोनों माइलो के घर के सामने मिसेज एलिस की कार देखते हैं, जो माइलो की माँ से बात कर रही होती है। क्लोई का कहना है कि वे एमा के खिलाफ केस बना रहे हैं। वो जानती है कि एमा ने माइलो के साथ कुछ किया है, हालांकि वो ऐसे बर्ताव करती है जैसे उसे पता ही नहीं है कि क्लोई किस बारे में बात कर रही है। जब वे घर वापस आते हैं तो बातचीत जारी रखते हैं। क्लोई एमा से कहती है कि अगर उन्हें पता चल जाएगा कि माइलो के साथ क्या हुआ, तो वे एमा को इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठाएंगे। यह बात एमा को डराती है, लेकिन वो अभी भी यही कहती है कि उसने कुछ नहीं किया है। उस दिन बाद में क्लोई घर के चारों ओर एमा की तलाश कर रही है, और तब हम देखते हैं कि वॉस्प का नेस्ट जो आउटहाउस की छत पर था, वो वहां पर नहीं है। फिर हम मिसेज एलिस को माइलो के घर से जाते हुए देखते हैं। जैसे ही वो गाड़ी चलाती है, एक वॉस्प उसका ध्यान भटकाती है, जिससे लगभग उनका एक्सीडेंट होने वाला होता है। जब कैमरा पीछे की सीट पर जाता है, तब हम वहां पर वॉस्प का नेस्ट देखते हैं। एमा ने अपनी टीचर को मारने की कोशिश करने के लिए कार में नेस्ट रखा था। वहां घर पर क्लोई को एमा के मैट्रेस के नीचे माइलो का मेडल मिला। वो उसे डेविड के ड्रेसर में एक लैंप में लटका देती है ताकि एमा को पकड़ा जा सके। डेविड अपने बाथरूम में है, जब एमा उसके कमरे में आती है तब मेडल को देखती है। वो उसे लैंप से उतारती है और उसे अपने पीछे छिपा लेती है, लेकिन डेविड यह नोटिस कर लेता है। वो उसे वापस उसके कमरे में लाता है और मेडल के बारे में पूछता है। तब एमा झूठ बोलती है और माइलो के बारे में एक कहानी बनाती है कि जब वे खेल रहे थे तब उसी ने उसे मेडल दिया था। डेविड कुछ फ्रेश एयर लेने के लिए ड्राइव पर जाता है, जब वो देखता है कि एक कार सड़क के किनारे क्रैश हो गई है। वो एंजेला को कॉल करता है और उससे एमा के लिए एक थेरेपिस्ट ढूंढने के लिए कहता है। उस रात डेविड को एमा और माइलो के बारे में बुरे सपने आते हैं। अगले दिन एमा क्लोई से कहती है कि उसे पता है उसी ने मेडल रखा था। वो गुस्से में है, तभी डेविड नीचे आता है और एमा को अपने साथ आने के लिए कहता है। वो उसे माइलो की माँ को मेडल वापस करने के लिए माइलो के घर ले जाता है। माइलो की माँ को कन्फ्यूजन होती है, लेकिन वो खुश है कि वो मेडल वापस ले आई। फिर वो उन्हें मिसेज एलिस की मौत के बारे में बताती है कि वॉस्प के कारण उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। ये सुनकर डेविड हैरान है और एमा रोने लगती है, यह कहते हुए कि मिसेज एलिस उसकी फेवरेट टीचर थी। हालांकि घर जाते वक्त लगता है कि एमा मिसेज एलिस की मृत्यु के बारे में भूल गई है और क्लोई के साथ कुकीज बेक करने के बारे में बात करती है। डेविड एमा के बिहेवियर से परेशान है। बाद में जब डेविड आउटहाउस में काम कर रहा होता है, तो उसने देखा कि वॉस्प का नेस्ट गायब हो गया है और वो मिसेज एलिस की मौत के लिए अपनी बेटी पर शक करता है। अगले दिन एमा की अपने थेरेपिस्ट डॉक्टर मार्च के साथ पहली मुलाकात है। उनके और एमा के बीच लंबी बातचीत होती है और बाद में डॉक्टर डेविड को बताती है कि एमा किसी और नॉर्मल बच्चे की तरह ही है। एमा ने एक थेरेपिस्ट को भी बेवकूफ बना लिया। जब दोनों घर वापस आते हैं, तो डेविड क्लोई को उसकी स्पोर्ट्स ब्रा में सनबेड लेते हुए देखता है। वो उसे एमा के पास जाने के लिए कहता है। जैसे ही क्लोई और एमा बात करते हैं, वो उसे बताती है कि डेविड उसे सेडक्टिवली देख रहा था। वो उसे यह भी कहती है कि वो उसकी स्टेप मॉम बन सकती है। यह सुनकर गुस्से में एमा उसे अपने पिता से दूर रहने के लिए कहती है और उस पर चिल्लाती है। उस रात एमा डेविड से पूछती है कि क्या वो क्लोई को पसंद करता है। ये सुनकर डेविड कंफ्यूज हो जाता है। वो क्लोई के बारे में भी बताती है कि वो उसकी स्टेप मॉम बनना चाहती है। हालांकि डेविड को डेट के लिए देर हो रही थी, इसलिए वो उसे ज्यादा बताए बिना ही चला जाता है। कुछ देर बाद क्लोई को कुछ शोर सुनाई देता है जब वो टीवी देख रही होती है। वो एमा को ढूंढती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती है। वो खिड़की से आउट हाउस को देखती है और वहां उसे एक परछाई दिखती है। वो एमा को ढूंढने के लिए बाहर जाती है। जब वो आउट हाउस में जाती है, तो उसका दरवाजा बंद हो जाता है। वो उसे खोलने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा लगता है कि किसी ने उसे बाहर से बंद किया है। तभी फर्श पर आग फैलने लगती है। क्लोई देखती है कि एमा उसे खिड़की से देख रही है। वो उसे हिट करने की कोशिश करती है, लेकिन आग उसे घेर लेती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। डेविड जब अपने घर आता है तो फायर फाइटर्स और पैरामेडिक्स को देखता है। वे उसे क्लोई की मौत के बारे में बताते हैं। एमा को एक अधिकारी के घर ले जाया गया है। फिर वो एमा के पास जाता है और उसे गले लगाता है। उस रात डेविड एमा के कमरे में आता है। वो उसके सामने बैठ जाता है और प्यार से पूछता है कि क्या उसने माइलो को चोट पहुंचाई है।
वो उसे अश्योर करता है कि वो उसकी मदद करने के लिए कुछ भी करेगा, लेकिन उसे सब सच बताना होगा। एमा फाइनली मान लेती है कि उसने माइलो को क्लिफ से धक्का मारा था, और यह कहकर बहाना बनाती है कि वो उसका मेडल लेने के लिए उसकी रिपोर्ट करने जा रहा था। फिर वो कैजुअली कहती है कि वो ऐसा दोबारा नहीं करेगी। ये सुनकर डेविड हॉरिफाइड हो जाता है। फिर वो उससे मिसेज लेविया, जो एमा की पिछली बेबीसिटर थी, उनके बारे में पूछता है। तब वो बताती है कि उसने उसे सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया था क्योंकि मिसेज लेविया ने उसका हाथ पकड़ा था, और कहती है कि मिसेज लेविया को और केयरफुल रहना चाहिए था। बात करते करते एमा प्रोग्रेसिवली अग्रेसिव होती जाती है। जब उससे पूछा गया कि उसने क्लोई के साथ क्या किया, तो वो डेविड पर चिल्लाती है और क्लोई पर अपनी स्टेप मॉम बनने की कोशिश करने का इल्जाम लगाती है। डेविड एंक्शस है, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि उसकी छोटी बेटी इतने हॉरिबल क्राइम्स कर सकती है। अगली सुबह टाउन शेरिफ ने डेविड को फोन किया और कहा कि वो एमा से मिलना चाहता है, हालांकि डेविड उसके बीमार होने का बहाना बनाता है। फिर वो उसे दूर उनके लेक हाउस ले जाता है, वहां उनका हाउसकीपर उनका वेलकम करता है। उस दिन बाद में शेरिफ ने डेविड को फिर से कॉल करके इन्फॉर्म किया कि किसी ने जानबूझकर आग लगाई थी, लेकिन वे नहीं जानते कि किसने। डेविड ये देखकर काफी टेंशन में है कि उसकी बेटी पकड़ में आ सकती है। डेविड के पास घर में एक बंदूक है, वो गन को देखता है और सोचता है कि क्या वो इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकता है। अगले दिन जब डेविड सो रहा होता है, एमा उसके कमरे में आती है और उसे किस करती है। फिर वो सभी खिड़कियां बंद कर देती है और सभी गैस स्टोव्स को चालू कर देती है अपने पिता को मारने के लिए। एमा फिर झील के किनारे जाती है और वहीं रहती है। तभी डेविड जागता है और घर में गैस की बदबू आती है। वो जल्दी से खिड़कियां खोलता है और स्टोव को बंद कर देता है। फिर वो एमा को झील के बाहर देखता है और उसे पता चलता है कि उसने उसे मारने की कोशिश की है। वो उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। एमा जवाब देती है कि अगर उसे कुछ हो जाता है तो वो अपनी आंट एंजेला के साथ रहने के लिए जाती, जिसे वो पसंद करती है। डेविड उसका हाथ पकड़ता है और शांति से उसे घर में ले जाता है। फिर हम देखते हैं कि डेविड अपनी मेडिसिंस को क्रश कर रहा होता है। बाद में वो एमा के लिए एक कप हॉट चॉकलेट लाता है और दोनों एक साथ हॉट चॉकलेट पीते हैं, और फिर डेविड उसे सुला देता है। जब वो अपने कमरे में वापस आता है तो वो एंजेला को फोन करता है और उसे एमा के सभी कारनामों के बारे में बताता है, लेकिन वो उस पर विश्वास नहीं करती है। फिर वो एंजेला से माफी मांगता है और वेगली उससे कहता है कि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तब यह पता चला है कि डेविड ने एमा की हॉट चॉकलेट को ओवरडोज करने के लिए ड्रग्स मिलाए थे ताकि वो और लोगों को न मारे, लेकिन वो एंजेला को यह नहीं बताता। उस रात जब वो सो रहा होता है, एमा उसके कमरे में हाथ में गन लेकर एंटर होती है और अपने पिता की ओर गन पॉइंट रखती है और गोली चलाती है, लेकिन चूक जाती है और डेविड के तकिए पर गोली लगती है। शोर से वो जगाता है और उससे पूछता है कि वो अभी भी कैसे जिंदा है। तब एमा उसे जवाब देती है कि उसने डेविड के साथ अपना हॉट चॉकलेट बदल लिया था। यह देखकर कि वो उसे मारने वाली है, डेविड उसके हाथ से बंदूक छीनने की कोशिश करता है, लेकिन एमा जल्दी से उसका फोन ले लेती है और 911 पर कॉल करती है। फिर वो बाथरूम में भाग जाती है क्योंकि डेविड उसे मारने के इरादे से उसका पीछा करता है। एमा 911 ऑपरेटर को बताती है कि उसके पिता उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। डेविड बाथरूम का दरवाजा तोड़ता है और एमा पर अपनी बंदूक तानता है। तभी हाउसकीपर अपनी राइफल के साथ उसके पीछे आता है। जब डेविड एमा को मारने वाला होता है तो वो उसे ही गोली मार देता है, और एमा देखती है कि उसका पिता जमीन पर गिर गया और मर गया है। तभी पुलिस भी वहां पहुंचती है। अगली सुबह आंट एंजेला वहां पर पहुंचती है और एमा को बताती है कि उसके पिता शायद बीमार थे। फिल्म एंड होती है जब हम देखते हैं कि एमा एंजेला को गले लगाती है और उसके चेहरे पर कोल्ड प्रीडेटरी लुक के साथ एक मुस्कुराहट है। इस फिल्म के बारे में आपके ख्याल हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने की